अगला टॉपिक रहेगा हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। शुरू करें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की अगर हम बात करें, ध्यान से सुनना, तो बिल्कुल कोवलेंट जैसा ही है, लेकिन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिवन बाय ओनली वन। तो एक देने वाला होता है राजा और एक भिखारी होता है। कोवलेंट के अंदर दोनों क्या होते हैं, दोनों लेने चाहते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ एक डोनर है, एक एक्सेप्टर है। तो ये भी एक तरह से कोवलेंट बॉन्ड का ही तरह होगा, शेयर तो हो रहा है बट, लेकिन शेयरिंग में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही द्वारा दिए गए। तो हम लिख सकते हैं, लिखिए, इट इज ए बॉन्ड जनरेट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिवन बाय ओनली वन, गिवन बाय ओनली वन एटम। तो यानी हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही से दिए हुए हैं। अब देखो ऐसा कब, शेयर्ड ही है कहलाएंगे तो शेयर्ड बॉन्ड की तरह ही कहलाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। लेकिन बस अंतर ये, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एक बार और ध्यान से सुनना, ये बोरोन है, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल रखा हुआ है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है पक्का, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब वो चाहता नहीं है इलेक्ट्रॉन और मिले, लेकिन सामने वाले की मदद कर सकता है तो सामने वाले का फायदा हो जाए। तो हम इसको कैसे समझते हैं, BF3, और उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ दे दिया, तो एरो से हम शो करेंगे, और ये शो एरो हमेशा क्या शो करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखते जाएं इसके अंदर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड रिप्रेजेंट बाय, रिप्रेजेंट बाय फुल एरो साइन, फुल एरो साइन, फुल एरो की जगह फुल सिंगल साइड एरो साइन, सिंगल साइड एरो साइन, तो एक तरफ से, एंड डायरेक्शन ऑफ इट, एंड डायरेक्शन ऑफ एरो इज डोनर एटम टू, इज फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर एटम। ये हमारे पास हो रहा है, समझ में आ रहा है बात। तो ये हमारे पास रहा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हम इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलने लग गए तब से ही। लेकिन किसी साइंटिस्ट ने कहा कोऑर्डिनेट को कोवलेंट की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन कैसे, तो उसका नाम दिया गया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी। इसको किस तरह से समझाया गया, BF3 एक खाली और इलेक्ट्रॉन है, NH3 एक लोन पेयर है, या सुनो, जब दोनों पास आते हैं तो दोनों में से क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ये इस तरफ ट्रांसफर करता है, तो क्या बन जाता है, BF3, और एक इलेक्ट्रॉन रह गया इसके पास, आ गया, इससे एक इलेक्ट्रॉन मूव करा है इस तरफ, सिंगल इलेक्ट्रॉन, और NH3 इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन रह गया, लेकिन अब इसके ऊपर प्लस है और इसके ऊपर क्या है, माइनस है। जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है वो प्लस, और जिसने लिया है उसके पास माइनस। अब इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया, शेयरिंग की, कोवलेंट शेयरिंग। तो क्या हो जाएगा, BF3 और NH3, तो डोनर के ऊपर प्लस और माइनस। अब एरो साइन नहीं यूज करेंगे हम। तो कुल मिला के ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी इस तरह से होती है। इन दिस थ्योरी आप ऐसे समझ सकते हैं, इन दिस थ्योरी
कोऑर्डिनेट बॉन्ड, रिप्लेस बाय कोवेलेंट बॉन्ड बाय अप्लाइंग पॉजिटिव चार्ज ऑन डोनर एटम एंड नेगेटिव चार्ज ऑन एक्सेप्टर एटम। तो ये हमारे लिए हो गया कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी। लिखते जाएं, एक बार और समझना इस बात को कि मेरे पास ऑक्टेट कंप्लीट है, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन का पूरा पेयर है, सही है। मैंने और तुम्हारे को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैंने एक इलेक्ट्रॉन तुम्हें दे दिया, तुम्हारे पास कितने हो जाएंगे? सात। तुम्हारे पास पहले कितने थे? छः। अब कितने हो गए? सात। मेरे पास पहले कितने थे? आठ। अब कितने हो गए? सात। अब हम बन दोनों वापस क्या करेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे शेयर करके, मैं भी आठ तुम भी आठ। एक तो ये हो गया, या ऐसा होता है कि मैं सीधा एक लोन पेयर तुम्हें दे दूं। तो दोनों ही थ्योरी सही है, दोनों ही एक ही चीज बता रही है। बस एक पॉइंट है कि इससे हमें पता चल रहा है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है और उससे हमें पता चल रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा था, बस अंतर ये। लेकिन कौन ज्यादा सही है कौन ज्यादा गलत है कहना मुश्किल है, दोनों ही सही है। ठीक है, तो अगर आप बात समझ रहे हैं, जैसे ये मेरे पास है ओजोन, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड थ्योरी से, ओजोन कोऑर्डिनेट बॉन्ड थ्योरी से, और अगर मैं चाहता हूं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी लगाना चाहता हूं, तो मैं इसको कैसे लिखता हूं? ध्यान से देखना, यहां से ओ हटाना पड़ेगा, सही है। डोनर के ऊपर क्या लगाऊंगा मैं? प्लस, और एक्सेप्टर पे माइनस। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। तो ओजोन की दोनों ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, बोथ आर करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। O3 सही है, ये हमारे पास हो रहा है कि दोनों ही हमारे लिए करेक्ट स्ट्रक्चर है, बस कोई दिक्कत नहीं है। इसने क्या करा, इसके पास ऑलरेडी ऑक्टेट था, समझना एक बार, इसको इसके पास कितने लोन पेयर थे? तीन लोन पेयर थे, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इसने अपना लोन पेयर शेयर कर दिया एक, और एक तो अभी भी रख रखा है, दो थे एक कर दिया। एक तो ये तरीका हुआ कोऑर्डिनेट बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट के अकॉर्डिंग क्या हुआ, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन उठा के इसके दे दिया, इसके पास कितने हो गए? सात, माइनस हो गया, और इसके पास कितने रह गए? सात, पहले आठ थे अब कितने हो गए? सात, प्लस आ गया, फिर शेयर कर लिया, वापिस दोनों के पास आठ आठ हो गए। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड थ्योरी हो गई। कोऑर्डिनेट बॉन्ड थ्योरी में चार्ज क्रिएट होता है, और उस चार्ज को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल चार्ज। तो ये कब आएगा फॉर्मल चार्ज? जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट कोऑर्डिनेट में चेंज करोगे, बाकी तो आता ही नहीं है। तो हमेशा हमारे लिए एक और डेफिनेशन हो जाती है, और वो है फॉर्मल चार्ज की। हाँ, एक तरह से इमेजिनरी चार्ज है, लेकिन बहुत जरूरी है। इट इज द जनरेट चार्ज ऑन एटम व्हेन ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड रिप्लेस बाय कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट नाम रख रखा है मैंने इसका, प्लस माइनस के साथ।
कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इज दैट क्लियर? लिखें इसको जल्दी से। तो हमने जो करा है उसमें फॉर्मल चार्ज के अच्छे एग्जांपल आ सकते हैं। फाइंड द फॉर्मल चार्ज इन फॉलोइंग कंपाउंड्स, लिखें फाइंड द फॉर्मल चार्ज इन फॉलोइंग कंपाउंड, इन फॉलोइंग कंपाउंड सभी एटम्स पे निकालना है फॉर्मल चार्ज ऑन ऑल एटम्स, ऑल एटम्स, किसी को छोड़ना नहीं है इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो सबसे पहला मैं बनाता जा रहा हूं एनओ टू, हमें यहां पर किस तरह से लेना पड़ेगा, ओ एच, एच एन ओ थ्री है ये हमारा। सेकेंड एच टू एस ओ फोर ले रहा हूं मैं, थर्ड ओजोन ले रहा हूं मैं, फोर्थ फिफ्थ ये बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इनमें फॉर्मल चार्ज बताना है आपको। पांच एग्जाम्पल है, बनाना शुरू कर सकते हैं आप। हमने अभी यहां लिखा फाइंड, और भी बढ़ा लेते हैं, क्वेश्चन बढ़ाते जाते हैं, फाइंड फॉर्मल चार्ज चलिए हमारे लिए फाइंड फॉर्मल चार्ज रहा था। पहला एग्जांपल क्या था हमारे लिए, वो ये था डबल बॉन्ड ओ ओ एच और एक हमारे लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ, सही था ना? तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड था सिर्फ वही वही टूटेगा, ये तो नॉर्मल बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड। तो जब आप ये तोड़ेंगे तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, माइनस, और इसके ऊपर क्या बात चार्ज आएगा, प्लस। तो बाकी के ऑक्सीजन पे क्या चार्ज रहेगा, जीरो जीरो। तो तीन में से एक ऑक्सीजन पे माइनस वन, दो पे जीरो, नाइट्रोजन पे प्लस वन। समझ में आ रहा है? एक और एग्जाम्पल लिया था मैंने ओजोन का, तो आप खुद भी कर सकते हैं कि ओजोन को जब ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो प्लस माइनस और यहां पर कोई भी नहीं है तो ये क्या होगा, जीरो। यानी तीन ऑक्सीजन है, एक पे प्लस वन, एक पे माइनस वन, एक पे जीरो। एक और एग्जाम्पल लिया था मैंने सल्फ्यूरिक एसिड ओ ओ और ओ एच ओ एच, जब आप इसको तोड़ेंगे तो आप क्या करेंगे, ओ एच, ये तो एज इट इज रहेंगे, ओ एच ओ ओ माइनस माइनस, और इस पर कितना आ जाएगा, प्लस टू। तो सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर पे फॉर्मल चार्ज कितना है, प्लस टू। एक और एग्जाम्पल लिया था मैंने अमोनियम, आपको मालूम है यहां पर इस तरह से था अमोनियम आयन, पक्का ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो आपके पास क्या होगा, एच 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 एच। तोड़ने के बाद इसके ऊपर माइनस, ऑलरेडी प्लस था, प्लस माइनस न्यूट्रल, और प्लस चार्ज फॉर्मल किस पे आएगा, नाइट्रोजन पे। तो इन अमोनियम आयन फॉर्मल पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट ऑन विच एटम, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। तो ये हमारे पास बात आ रही है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां आप बहुत आसानी से बोल सकते हैं बी एफ थ्री और एन एच थ्री, ये था हमारे पास। तो हम तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, बी एच थ्री एन एच थ्री, और यहां पर प्लस और यहां पर माइनस, बोलो यस और नो। तो एक तरह से फॉर्मल चार्ज हमारे लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बन रहा है, दूसरी तरफ से फॉर्मल चार्ज हमारे लिए ये भी सपोर्ट कर रहा है कि नाइट्रोजन पे प्लस बनती वो क्या बन गया, कार्बन। कितनी वैलेंसी हो गई, चार।
और बोरोन पे माइनस आती कितनी वैलेंसी हो जाएगी, चार, बोलो यस और नो। बोरोन पे माइनस आती कार्बन बनेगा, चार। तो फॉर्मल चार्ज एक तरह से उस एटम को किसी और एटम में कन्वर्ट कर रहा है जिससे उसकी वैलेंसी बढ़ सकती है या कम हो सकती है। लॉक कर दें, ये भी एक पॉइंट है। तो फॉर्मल चार्ज इज द मिनिमम रिक्वायर्ड चार्ज, या जो भी आप लिखो मत, समझो फॉर्मल चार्ज इज द रिक्वायर्ड चार्ज ऑन अप्लाइंग एटम ड्यू टू विच वैलेंसी ऑफ एटम इस या विल बी चेंज या इस चेंज। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। वो गलत है, ठीक है ना, वो सारे फॉर्मूले गलत हैं जो याद करने पड़ते हैं, सिर्फ मेरी थ्योरी सही है, ठीक है ना, कहीं कुछ याद नहीं करना। तो कोई भी चीज हमें फॉर्मूले से नहीं पढ़नी है, आ रहा है बात समझ में? तो आपके लिए फॉर्मूला बनाना जरूरी है या कंसेप्ट जरूरी है? कंसेप्ट ना, तो बस इसलिए आप सिर्फ कंसेप्ट से बनाए, आपका काम भी फास्ट होगा और आपको रटने की भी कोई जरूरत नहीं होगी। तो फॉर्मल चार्ज आपको समझ में आ गया, यहाँ पर कोई डाउट? पक्का, इज दैट क्लियर? तो ये हमारे लिए फॉर्मल चार्ज हो गया। ठीक है, आज अगर हम बात कर रहे हैं ये हमारे पास हो गया H3O+, एक और एग्जांपल, ये H2O है, इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया किसके साथ? H+ के साथ। तो बहुत आसान है, कोई ज्यादा नहीं सोचना। फॉर्मल चार्ज कितना होगा H3O+ में ऑक्सीजन पे? प्लस, यहां आ जाएगा, यहां पर प्लस माइनस न्यूट्रल। तो वैसे भी देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी होती है, दो, तीन नहीं होती, तीन कितनी किसकी होती है? नाइट्रोजन की। तो ऑक्सीजन को नाइट्रोजन बनाने के लिए कितना चार्ज चाहिए? एक। क्या प्लस में या माइनस में? प्लस में, वो फॉर्मल चार्ज है। ठीक है, बोलो यस और नो। इधर देखिए एक और एग्जांपल, BFF, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है और F माइनस है, बन सकता है? तो ये क्या कहलाएगा? BF4-। तो बताइए नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, बोरोन के ऊपर या फ्लोरीन के ऊपर? अभी आपको फ्लोरीन दिख रहा है, लेकिन फॉर्मल चार्ज किसके ऊपर कहलाएगा? बोरोन के ऊपर। तो फॉर्मल चार्ज डिफाइन ही तब होगा जब आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवलेंट में चेंज हो जाए। तो ये तो न्यूट्रल हो जाएगा 10, और वैसे भी हम बोल सकते हैं बोरोन इस जगह चार वैलेंसी शो कर रहा है, तो उसके कार्बन बनना पड़ेगा और कार्बन बनने के लिए बोरोन में एक इलेक्ट्रॉन एंटर कराना पड़ेगा और वो नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा और वही फॉर्मल चार्ज कहलाएगा। हाँ या ना? तो बस फॉर्मल चार्ज की बहुत अच्छी डेफिनेशन है, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे से डायरेक्ट इनडायरेक्टली पढ़ लिया। सही है, तो ये तो रहा हमारे लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड की थ्योरी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी हो गई। एक और थ्योरी आपका इंतजार कर रही है कोऑर्डिनेट के लिए और उसका नाम है लुईस एसिड बेस थ्योरी। हेडिंग डाल लीजिए फास्ट, थर्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए तीन थ्योरी आपको बता दिए मैंने, एक तो कोऑर्डिनेट थ्योरी, एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी, एक लुईस थ्योरी। तो लुईस क्या कहता है? लुईस थ्योरी ऑफ एसिड बेस फॉर कोऑर्डिनेट कंपाउंड, फॉर कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। ये बड़े प्यार से बताता है कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड में एक लोन पेयर डोनर होता है और एक लोन पेयर एक्सेप्टर होता है। होता है या नहीं होता? सामने देखो, एक डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है। तो जो लोन पेयर डोनर स्पीशीज होती है वो तो होती है लुईस बेस, और एक्सेप्टर जो होती है वो होती है लुईस एसिड। तो हम जानते हैं, फिर लिखना पड़ेगा, इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड वन एटम इज लोन पेयर डोनर एंड वन एटम इज लोन पेयर एक्सेप्टर। बॉन्ड वन एटम इज लोन पेयर डोनर एंड वन एटम इज लोन पेयर एक्सेप्टर। ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड थ्योरी है,
इसमें कोई मैंने अलग नहीं किया। लुइस ने इसको एक्सपांशन किया, लोन पेयर डोनर एटम इज कॉल्ड लुइस बेस एंड लोन पेयर एक्सेप्ट डोनर एटम एंड लोन पेयर एक्सेप्टर एटम इज कॉल्ड लुइस एसिड। यह है थर्ड नंबर की थ्योरी जो कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के लिए दी गई। किसने दी गई? किसने दी? लुइस ने। किससे पूछ के दी? मुझसे। ठीक है ना, तो मजाक कर रहा हूं। तो अब आपको मेंशन करना है विच इज लुइस एसिड एंड विच इज लुइस बेस। तो एक तरह से हमारे लिए लुइस एसिड क्या होगा? आपने बहुत आराम से बोल दिया लुइस एसिड लोन पेयर डोनर होगा। डोनर कौन होगा? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? रिच, बिल्कुल सही कहा। लुइस एसिड, लुइस बेस की बात कर रहा हूं मैं। लुइस बेस जो लोन पेयर डोनेट करता है अपने आप में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच। इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जनरली ऑक्टेट इज कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट। और दूसरा है हमारे लिए लुइस एसिड, ये लोन पेयर एक्सेप्टर होता है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। और इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता बेचारे का, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप बताइए मेरे को NH3 और BF4 में, BF3 में ये क्या है? लुइस एसिड या बेस? एसिड। और ये क्या है? लुइस बेस। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत? तो ये लुइस एसिड है और ये लुइस बेस है। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये बेस है और ये एसिड है। और बेस का काम क्या होता है? लोन पेयर देना। और इसका काम क्या होता है? लोन पेयर लेना। समझ में आ रहा है? और इस रिएक्शन को बोलेंगे सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन। तो ये एक तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा NH3 BF3 और इसको बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स या फिर कोऑर्डिनेट सॉल्ट या कंपाउंड भी बोल सकते हो। समझ में आ रहा है? तो ये भी एक तरह की एसिड बेस रिएक्शन है। कोई डाउट नहीं है? हम बोरिक एसिड को देखते हैं। बोरिक एसिड क्या होता है? बी ओ एच ओ एच ओ एच और ये हमारे पास H2 है। कोई समझ में आ रहा है? लोन पेयर किसके पास है? ऑक्सीजन के पास या बोरोन के पास? ऑक्सीजन के पास। तो ये क्या हो जाएगा? लुइस बेस और ये क्या हो जाएगा? लुइस एसिड। क्या बन जाएगा? ये बी ओ एच, ये ओ एच इधर आएगा पूरा का पूरा 4 और हम इसको ऐसे लिख देते हैं प्लस एच प्लस की फॉर्मेट में रहेगा। ये इधर आएगा, ये बाहर आ जाएगा, निकल जाएगा एच प्लस में। समझ में आ रहा है? तो आप ही मेरे को बताओ कि इसने एच प्लस दिया या नहीं दिया? दिया। किस कंसेप्ट से दिया? लुइस से। लुइस कंसेप्ट से ही समझा पा रहे हो? या सुनो, तो बोरिक एसिड आप क्या बोल रहे हो? क्या बातें हैं आपके लिए इस खास है बोरिक एसिड के लिए? जल्दी से बोलो। पहला, इसकी एसिड है। जनरली मेटल के साथ OH दिखते हैं तो आपको क्या फील आती है? बेस की, NaOH, KOH वगैरह, RbOH, CsOH। लेकिन ये मेटल के साथ OH होते हुए भी ये क्या है? एसिड। तो बोरिक एसिड अपने आप में
एसिड है, ये बात किसने बताई? लुईस ने। तो बोरिक एसिड इज मोनो बेसिक क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक ही एच प्लस दे रहा है, मोनो बेसिक लेविस एसिड एंड इट गिव्स वन एच प्लस, यानी कि इसकी बेसिसिटी कितनी है? वन वन एच प्लस बाय रिएक्शन ऑफ वाटर। खुद का नहीं ले रहा, H2O का ले रहा है। अगर आपके पास बोरिक एसिड है, H3BO3 है, और आपने इसको D2O में डाला, तो बताओ क्या निकलेगा? D प्लस निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये इसका D दे रहा है। तो आपके पास क्या हो जाएगा? BOH3 और एक OD हो जाएगा, माइनस। यहां पर भी माइनस था, इसके बोरोन ने लिया है माइनस, और यहां पर क्या आ जाएगा? डी प्लस। समझ में आ रही है बात? तो इससे पता चल रहा है कि इसने अपना एच प्लस नहीं दिया है, इसने किसका दिया है? वाटर से। एक बार और देख लो, बी ओ एच ओ एच और ओ एच ओ डी डी। समझ में आ रही है बात? बोलो यस और नो। इसने अपना लोन पेयर यहां दिया, ये बाहर हो गया, तो क्या हो जाएगा? बी ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच माइनस आ गया, ओ एच नहीं ओ डी आ गया, क्योंकि लोन पेयर लेके आया, और डी प्लस अलग हो गया। समझ में आ रही है बात? जो गेन करता है उस पे माइनस चार्ज, बस एच प्लस का डी प्लस हो रहा है। फायदा ये पता चला है कि इसने बोरोन ने नहीं दिया ही है, अगर बोरोन देता तो एच जाता। तो कंसेप्चुअली का इक्वेशन बन सकता है, इन बोरिक एसिड बोरोन गिव्स एच प्लस बाय इटसेल्फ, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, खुद का नहीं दे रहा है। इट्स गिवन एच प्लस बाय रिएक्शन विद वाटर। कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पे आ सकते हैं क्वेश्चंस, कंसेप्चुअली हैं तो कंसेप्चुअली ही क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज बनेंगे इस पे। हाँ या ना? आपके ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? तो हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट थ्योरी भी पढ़ लिया, हमने लुईस थ्योरी एसिड बेस भी पढ़ लिया। तो एक और पॉइंट हम यहाँ पर इन्वॉल्व कर सकते हैं कि जितने भी मेटल आयन हैं, खासतौर पर डी ब्लॉक के, उनकी तो आदत ही लोन पेयर लेने की होती है, तो वो तो पैदाइशी लुईस एसिड होते हैं। तो हम यहां पॉइंट लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल डी ब्लॉक मेटल एटम ऑब्लिक आयन आर लुईस एसिड। उनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल की भरमार है। अब एक नहीं, पांच दस कितने भी डालो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये चीज समझ में आ गई? बस यही चीज समझनी है, लिखते जाए।